अगर अभी तक आपने ये पेज लाइक नहीं किया है तो अब अवश्य कर लें। ये सारे ही दृश्य हैं अग्रवाल समाज विकास सेवा समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर के। यह इनका पंजीयन काउंटर है जहां आने वाले पेशेंट्स का निःशुल्क पंजीयन यहां किया जाता है। अभी सारी ग्रामीण क्षेत्र के मरीज भी लाभान्वित इस कार्यक्रम से होते हैं। प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाने वाला यह शिविर लगभग दो से ढाई साल से पिछले चल रहा है और लगभग ये 143वां शिविर है जिसमें कई बार कई विशेषज्ञों को भी बुलाकर उनकी सेवाएं यहाँ के लोगों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं और सारे ही काम यहाँ के स्वयंसेवक जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। दवाइयाँ भी बाज़ार में मिलने वाली दवाइयाँ जो काफ़ी हम ही सभी जानते हैं कि दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं और यहाँ निःशुल्क इनके द्वारा प्रदान की जाती हैं। जैसे अभी एक डब्बा देखेंगे फोकस सेंटर है आप आदि बोली आइए कुछ जानते हैं इस निःशुल्क सेवा शिविर के बारे में। यहाँ सेवाएं दे रहे श्री आशीष जी थे। आशीष जी कुछ जानकारी दे पाएंगे इस शिविर के बारे में? हमारा ये शिविर डॉक्टर एमपी गुप्ता जी के द्वारा 19 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। 19 जुलाई 2015। इसके बाद हर रविवार को ये साप्ताहिक शिविर निरंतर चलता आ रहा है जी। इसलिए आज का जो शिविर है वो समिति का 143वां शिविर है। इसमें लगभग अपन 10,000 मरीजों को लाभान्वित कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो हमेशा एमपी गुप्ता जी ही डॉक्टर साहब ही देखते हैं या अन्य बाहर से भी कुछ विशेषज्ञ आप बुलवाते हैं? नहीं, हर संडे को, जैसे पिछली संडे को हमने बिरला जो ग्वालियर हॉस्पिटल है उसका बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगवाया था जी। इससे पहले कितने मरीज लाभान्वित हुए उस शिविर में? पिछली बार शिविर में 550 से 1,000 मरीजों को इसमें लाभ प्राप्त हुआ जी। और हर संडे की ओपीडी लगभग 150 से ऊपर निकल जाती है। अच्छा, कितने लोग मिलके इसे संचालित करते हैं, मतलब कितने लोग हैं समिति में? इसमें समिति में मुख्य रूप से 8 लोग काम कर रहे हैं। 8 लोग। इसके अलावा पूरे शहर भर कुछ अध्यक्ष सचिव वगैरह इस तरह भी कुछ बने हैं? हाँ, 5 लोगों की कार्यकारी है जी। और उसके अलावा भी शहर भर के जो दानदाता हैं उनके सहयोग से ये स्वास्थ्य शिविर चलाया जा रहा है। शहर के मतलब कौन लोग उसमें हैं? केवल एक ही समाज के लोग हैं या अन्य भी हैं? दानदाताओं में केवल अग्रवाल समाज के सहयोग से, केवल मतलब एक समाज के सहयोग से ये पूरा कैंप संचालित किया जा रहा है। संचालित किया है। थोड़ा सा ये जो यहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं वो सारे पेशेंट बाजार से खरीदते हैं या कुछ लोगों को इस बारे में भ्रम है, थोड़ा सा उस बारे में और जानकारी दें? हमारे यहाँ जो दवाइयाँ हैं वो जितने भी मरीज यहाँ पे आते हैं उनको सबको 3 दिनों की दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसमें बुखार की दवाइयाँ हैं, खांसी जुकाम की, हृदय रोग की, बीपी की, और जो भी पेट में दर्द जो भी आदमी रोगी होता तो है। तो जैसे अपन को पता है दवाइयाँ इस दौर में काफ़ी महंगी हैं, तो हर कैंप में लगभग कितना खर्चा आता है दवाइयों का? हर कैंप में लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच की दवाइयाँ निःशुल्क लोगों को प्रदान की जाती है। 6 से 7 हज़ार औसतन। और पिछला जैसे बड़ा कैंप था आपका बिरला हॉस्पिटल वाला, उसमें लगभग 24,000 रुपये की दवाइयाँ, लगभग 24 से 25,000 रुपये की दवाइयाँ निःशुल्क बांटी। बहुत ही जहाँ कहा जाता है कि सामाजिक संस्थाएं केवल नाम की होती हैं या किस तरह के कोई सराहनीय कार्य नहीं किए जाते हैं, तो सबलगढ़ मध्य प्रदेश में मुरैना ज़िले की सबलगढ़ तहसील में आयोजित किया जाने वाला ये शिविर लोगों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र है कि किस प्रकार कुछ लोग, चाहे जैसे बताया कि अभी 5 से 8 लोग इस समिति में काम करते हैं, कुछ लोग निःशुल्क सेवा निस्वार्थ सेवा द्वारा किस प्रकार समाज में परिवर्तन ला रहे हैं और कुछ लोग चाहें तो किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। जैसा अभी आशीष जी से हुई चर्चा से हमें पता लगा कि 2015 से ये सेवा अनवरत जारी है और मुख्य रूप से जिनकी सेवाएं यहाँ प्राप्त होती हैं लगभग 7 से 8 घंटा नित्य व्यस्त रहने के बाद भी यहाँ जो अनवरत सेवाएं देते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं सभी को एक रविवार मिलता है और वो छुट्टी का दिन डॉक्टर साहब का यहीं पूरा दिन चला जाता है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं सबलगढ़ के ही डॉक्टर श्री एमपी गुप्ता जी से। सर, थोड़ा सा किस प्रकार से ये कैंप चल रहा है थोड़ा जानकारी? कैंप जो है ये अपने लोगों की समिति द्वारा चलाया जाता है जी। समिति हर एतवार को रविवार को इसका अरेंजमेंट करती है और हम इसमें
निःशुल्क मतलब सेवा देते हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं इसमें। और एक साल में पिछली बार जो है ना 48 कैंप लगाया हम लोगों ने, 6000 करीब मरीजों को सेवाएं दी हैं। इसमें से अपन लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए भी पेशेंट निकालते हैं, प्रत्येक रविवार को करीब 4 पेशेंट RNTCP या डॉट्स के पेशेंट निकलते हैं वो। तो जो मतलब इस तरह के जो पेशेंट जिन्हें कैटेगराइज करना थोड़ा कठिन होता है वो काम भी यहाँ से होता है, यहाँ से होता है वो, और हर रविवार को लगातार हो रहा है। तो यहाँ से जो लोग ऐसे पुअर आते हैं जो कुछ करा नहीं सकते, जितना अपन लोग कर सकते हैं उतना करते हैं, रेस्ट ऑफ दी जो अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं, वहाँ फिर मंडे को मैं उनको देख लेता हूँ, वहाँ परसों कर लेता हूँ। इस तरीके से अपन लोग की सेवाएँ यहाँ दे रहे हैं। ऑपरेशन के लिए जो पेशेंट यहाँ से सिलेक्ट होते हैं उनको हम लोग ग्वालियर या मुरैना भेजते हैं, उसको परसू करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। कैंसर के पेशेंट भी जाते हैं, उनको जो है ना उसको कुछ अनुदान मिला के नहीं, इसको भी अपन लोग देखते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो ये इस कैंप के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी थबलगढ़ के ही पूर्व VMO डॉक्टर श्री MP गुप्ता जी से, जो अपने बहुमूल्य समय से जो केवल एक रविवार छुट्टी का दिन मिलता है उसका उसे पूरा का पूरा यहाँ दे देते हैं। इस स्वार्थ भरे दौर में बेशक कहा जा सकता है कि बड़ा ही सराहनीय कार्य अग्रवाल समाज विकास समिति द्वारा यहाँ किया जा रहा है। समाज के समक्ष इस तरह के काम सबको दिखें, लोगों को पता लगना चाहिए कि हम भी लोग यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करें कि हम भी इस तरह के काम कर सकते हैं, उसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर इस समाज के बीच में चल रहे इन निस्वार्थ कार्यों को आगे तक बढ़ाएं, जिनसे अन्य लोग भी प्रेरणा प्राप्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम।